वेलकम टू माई चैनल। आप कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक फेशियल हेयर रिमूव करने का पैक बताऊंगी, एक एक करके आपको प्रोसेस में बताऊंगी और फेशियल हेयर इजीली कैसे रिमूव होना है और रिमूव कैसे करते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। और ये फेशियल हेयर आपको अनवांटेड हेयर फेस के ऊपर और हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर आते हैं ना, उससे बहुत बुरा दिखता है स्किन और हाथों पैरों भी बहुत बुरे दिखते हैं। इसलिए ये अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए आपको मैं एक पैक अच्छे से बताऊंगी, एक एक करके आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये वीडियो आपको यूजफुल भी लगेगा। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जो भी मैं वीडियो डाल सकूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चले आगे बढ़ते हैं। ये मॉइस्चराइज़र है, हमें अनवांटेड हेयर रिमूव करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और ये मॉइस्चराइज़र कैसा बनाई हूँ वो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं आप चाहिए तो। और अनवांटेड हेयर आप परमानेंट से रिमूव करने के लिए ये पैक आपको यूज़फुल भी लगेगा, परमानेंट से आपको रिमूव हो जाएंगे और एक ही दिन में आपको रिमूव नहीं होंगे, आप ये वीक में वन टाइम यूज़ करने से आपको 3 मंथ्स यूज़ करना पड़ेगा, 3 मंथ्स यूज़ करने से आपको परमानेंट से रिमूव हो जाएंगे अनवांटेड हेयर। फिर से आपके फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर अनवांटेड हेयर का ग्रोथ नहीं होगा ये प्रोसेस में आप यूज़ करेंगे। मैं जैसा बताती हूँ वैसे ही आप ये प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपके फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर अनवांटेड हेयर का नाम ही निशान नहीं रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप चीनी, 1 कप दूध लिया है हमने, सिर्फ फेस के लिए है, लेग्स के ऊपर नहीं और पैर्स के ऊपर नहीं। आप लेना चाहे तो और भी ले सकते हैं, फेस के ऊपर, लेग्स के ऊपर लेने के लिए और भी क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम ये फेस के ऊपर लिया है। हम देखें चूल्हे के ऊपर एक बॉयल रखा है, उसमें 1 कप दूध डाला है और 1 कप चीनी डाला है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे अच्छे से बॉयल करना है, जैसे जामुन का शीरा होता है ना वैसे ही आप पका लेना है इसे। जैसे बॉयल कर लेंगे अच्छे से, बॉयल करने के बाद आपको मैं फिर प्रोसेस बताऊंगी आगे। और ये आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहे तो इसी से ही आप 2 कप दूध ले सकते हैं, 2 कप चीनी और आटा। देखें हम अच्छे से बॉईल कर लिया है, उसके बाद हम इसे नीचे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाना है। आपको मैं इसे प्रोसेस करके दिखा देती हूं अच्छे से, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर से मैं बताऊंगी आपको। देखें ये उबाल आ चुका है, अच्छे से बॉईल हो चुका है हमारा, जैसा हमको पैक चाहिए वैसे ही तैयार होगा। देखें दिखा देती हूँ मैं आपको, और इसे नीचे रख कर हम थोड़ा सा आटा डाल देते हैं, ये थोड़ा सा है ना इसलिए ठंडा हो चुका है। देखें ऐसे ही आप, हम जैसा वीडियो में बताते हैं वैसे ही मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ये थोड़ा सा अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए, इसलिए आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं आटा। देखें अब इस वीडियो में जैसा दिखता है वैसे ही आप कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से फेस को आप वॉश कर लीजिए, उससे पहले, लगाने से पहले। देखिए मैं हैंड्स के ऊपर लगा कर दिखाती हूँ और मेरे हाथ पर अनवांटेड हेयर थोड़े थोड़े से हैं, इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी। एक ही बार को आपको नहीं जाएगा, आप इसे वीक में 1 टाइम ऐसे ही 3 मंथ्स कर लेना है, रोज़ाना नहीं करना है, 3 मंथ्स आप कर लीजिए, उसके बाद अनवांटेड हेयर आपको परमानेंट से रोक देंगे, ग्रोथ नहीं आएंगे। फेशियल हेयर जाने के लिए टाइम थोड़ा सा लेता है, इसलिए आप थोड़ा सा प्रोसेस में आप कर लीजिए। देखिए मैं इसे अच्छे से लगा ली हूँ और रिमूव करके दिखाऊंगी। आप धीरे धीरे से ऐसे ही
लगाना है, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही आप कर लेना है। आप अच्छे से हल्के मसाज कर लीजिए, ज़्यादा मसाज नहीं करना है। आपको रैशेस आ सकते हैं, आपकी सेंसिटिव स्किन हो या आपकी सेंसिटिव स्किन हो तो और भी ध्यान देना है आपको स्किन के ऊपर। थोड़ा सा मसाज करना है धीरे धीरे से, आपको लाइटली मसाज करना है। ध्यान दीजिए आपके हाथों पैरों को भी ऐसे ही आप मसाज कर लेना है। उससे अपर डायरेक्शन में आप मसाज करने से आपके हैंड्स को रिमूव हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो थोड़ा सा रेडिश आएगा, रेड होगा आपका स्किन। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हम आटा लगाते हैं ना, गेहूं का आटा, इसलिए आपको थोड़े से रैशेस आएंगे। उसके बाद देख लीजिए, मैं पैक रिमूव करके आई हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मेरा रिमूव हुआ है, थोड़े थोड़े से रिमूव हुआ है, परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे एक ही बार की। वो आप वीक में वन टाइम इस्तेमाल करना है, उसी से ही आपको परमानेंट से रिमूव हो जाएंगे और ग्रोथ भी आपको रुक जाएगी। आप उसके बाद रिमूव करने के बाद फेस को हो, हैंड्स को हो, लेग्स को हो, आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, क्योंकि हम मसाज करें हैं ना हॉट से, इसलिए आपको थोड़ा सा मसाज कर लीजिए मॉइस्चराइज़र से। जो वीडियो के पहले में मैं बताई हूँ ना, वही मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। आपके पास जो भी हो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा हैंड थोड़ा सा रेड हुआ है, वैसे ही आपके फेस के ऊपर भी होगा। आप चिंता ना कीजिए, आपको अच्छे से रिमूव हो जाएंगे हेयर। देखें और भी ज़्यादा मेरे पास है। आप पूरा प्रोसेस देख लिए है ना, वैसे ही आप एक एक करके फॉलो कर लीजिए, अनवांटेड हेयर इजीली रिमूव हो जाएंगे। हर एक को पार्लर जाने की सहूलत नहीं होगी, टाइम भी नहीं होगा, इसलिए आप फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए पार्लर जाना पड़ता है। आपको टाइम ना मिले तो ये आप प्रोसेस में कर सकते हैं। आप वीकली वन टाइम करने से परमानेंट से रिमूव हो जाएंगे आपके हेयर की ग्रोथ। आपकी हेयर की ग्रोथ रिमूव होगी ही, साथ ही साथ आपके फेस के जो भी टैन है वो भी रिमूव होगा, फेस वाइटन अप भी होगा, आपके फेस को स्मूथनेस भी आएगा। ये गेहूं का आटा आपको साइड इफेक्ट नहीं देता है, इजीली आपके किचन में ये इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। आप सेपरेट से जाकर बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली ये आपके किचन में मिल जाएंगे। आप एक एक करके फॉलो कर सकते हैं, जब चाहे आप बना लीजिए, जब चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना नहीं यूज़ करना है, आप वीक में वन टाइम ही यूज़ करना है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन वाले ध्यान दीजिए, आपके स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं और ऑयल स्किन टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। इतना अच्छा है ये पैक, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मेरे क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। वो बार बार पार्लर आने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है और परेशान होते हैं हेयर रिमूव करने के लिए, इसलिए मेरे कस्टमर को भी यही बताती हूँ प्रोसेस। वो मेरे पास पर्सनली इस्तेमाल करते हैं दिखा कर, और मैं ही उनको इस्तेमाल करती हूँ वीकली वन टाइम। ये मैं आपको बताई हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड ये आपको अच्छे से रिमूव करने का पैक बताई हूँ। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वो भी परेशान होते होंगे अनवांटेड हेयर को लेकर, इसलिए वो भी रिमूव कर सकते हैं। आपको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, जब तक आपका ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।